हम लोगों ने सोचा था मुरझान मच्छी लेंगे, लेकिन मुरझान मच्छी तो बहुत सारे दुकान हम लोगों ने देखा, मुरझान मच्छी कहीं पे भी नहीं मिला। उसके बाद मैंने फाइनली चूज किया हरित का। हरित मच्छी जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, हम लोगों ने पहले बहुत बार खाया है, तो हरित मच्छी हम लोगों ने ले लिया है। और हरित मच्छी अगर आप फ्राई करके खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसका चाहे तो आप करी भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग करी बना रहे हैं। मेरा भाई है हिलाल भाई, वो सारा हे गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस वीडियो को आफ्टरनून में इसलिए शूट करना पड़ा क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम था। रूम पे आने के बाद आकाश भाई का सडनली प्लान जो है चेंज हो गया। उन्होंने बोला है कि चलो मच्छी मार्केट में चलते हैं। तो यहाँ का मच्छी मार्केट पास में है, इंडिया में जैसे रोड पे लगाते हैं ऐसा मच्छी मार्केट है। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन सा मच्छी लेना है। उसके लिए सबसे पहले आकाश भाई के रूम में चलना होगा, वहाँ से दो बंदे को पिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और इधर है अपना आकाश भाई। आकाश भाई किधर जा रहे हैं हम लोग अभी? अरे बांग्ला बाजार में जाएगा। क्या लेने जाएगा? मछली। मछली लेने? किधर है दूसरा वाला आदमी? मस्जिद के पास। मस्जिद के पास बोला है ना? मस्जिद के पास बोला है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, वो देखो चारों तरफ हम लोगों ने ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। मस्जिद के चारों तरफ हम लोगों ने ढूंढ लिया, वो बंदा तो है नहीं। और कह रहा था कि नमाज पढ़ रहा हूँ, आ जाओ वहाँ पे, हो सकता है कहीं इधर उधर चला गया होगा। आकाश भाई किधर होगा? किधर होगा वो? वो कैंटीन में होगा, होटल के पास। चलो। और इधर चल रहा है मैच, आज तो बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। आकाश भाई बहुत ज़्यादा पब्लिक है, देखिए कल छुट्टी है ना? हाँ बहुत ज़्यादा आदमी। भाई काफ़ी ढूंढने के बाद ये बंदा मिल गया। इधर देखो भाई किधर था तुम? हम लोग दोनों बाद में तुमको ढूंढ रहा है यार। आकाश भाई उधर ढूंढ रहा था, मैं इधर ढूंढ रहा है। किधर गया था आप? मैं इधर गया था। चलो अभी चलते हैं। तो भाई हम लोग का सेफ ये है, ये भाई खाना बनाने वाला है और ये बहुत अच्छा खाना बनाता है और मछली भी यही बनाने वाला। आकाश भाई मछली भी बनाएगा? ये बनाएगा भाई, आप बनाएगा ना? अच्छा से बनाएगा, नहीं बनाएगा? तो पीछे है हम लोगों का मच्छी मार्केट और बिल्कुल ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, मतलब दुकानें थोड़ी लगी हुई है। तो चलते हैं देखते हैं क्या मिल पाता है, क्योंकि जाने के बाद ही पता चलेगा वहाँ पास में। इधर दिखाई मच्छी मार्केट में तो आ गए हम लोग, लेकिन अंधेरा है यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा कौन सा मच्छी कौन सा है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है देखने में हम लोगों का। अभी हम लोग आ गए हैं फाइनली पूरा मार्केट करके, जो जो हम लोगों को चाहिए। आकाश भाई इधर देखो, इधर सही से साफ करो यार, सही से करेगा तो लेट ही जाएगा। तो भाई मच्छी में इंडिया में ऐसा नहीं है मेरा भाई। इंडिया में सिर्फ वो गोभी का पत्ता गोभी होता है ना, हाँ। जो ये वाला देखो गोभी, ये डाल करके बनाते हैं हम लोग, और ज़्यादा ज़्यादा आलू डाल देगा बस। ये क्या बोला, इसका क्या बोला? ये सेम बोला ना, उसका अंदर में नहीं देगा, इसका अंदर में नहीं देता है सेम मच्छी का अंदर में। इसमें सब डालता है, सब एक साथ में पाक कर दिया है। तो भाई मच्छी में देखो हिलाल भाई क्या डाल रहे हैं, बैंगन, और ये है सेम, और यहाँ पे गोभी है, और आलू भी है। आलू नहीं है भाई, आलू नहीं है आज। तो ये सारा आइटम डाल करके ये बनाने वाले हैं मच्छी के साथ में। और इधर मच्छी जो है आकाश भाई साफ कर रहे हैं। काटेगा? काटो ना, क्या करेगा, खड़ा खड़ा खाएगा? अभी नहीं काटेगा, बहुत बाद में वो काटेगा। ये फेंक देगा। हम लोग पहले से डिसाइड करके रखे थे कि जाके मुरझान मच्छी लेंगे। मुरझान मच्छी मिला नहीं, सारे दुकान हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने लिया हरित मच्छी। हरित मच्छी हमने पहले खाया और मुरझान भी खाया। हरित का टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है और मुरझान का भी बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने अभी हरित लिया है, और हरित का अगर आप फ्राई करके खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसका करी भी बना सकते हैं, हम लोग तो करी बना रहे हैं हिलाल भाई। बनने के बाद देखते हैं और खा के देखते हैं टेस्ट कैसा होता है उसका। मिर्च का पिसाई। सो गाइस फाइनली रात का बज चुका है 10, और मेरे को आ रहा बहुत तेज़ नींद। तो मैं जा रहा हूँ, आकाश भाई आप बना लेना और आप लोग खाओ,
मैं शहरी में 3 बजे खाएगा। नहीं 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 जाएगा, खाएगा तो जाएगा, अभी मेरे को नींद आ रहा है यार। अरे भाई थोड़ी बैठो ना, वो 20 मिनट बैठो वो खलास हो जाएगा। तो भाई ये लोग जाने नहीं दे रहे, बोल रहे खा के ही जाना। अब जाएगा तो अच्छा नहीं भाई, अब खाएगा तो बाद में जाएगा। नहीं होता है हिलाल भाई ने मच्छी को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया, बांग्लादेशी स्टाइल में वेजिटेबल्स वगैरह डाल करके, मज़ा आ गया खाने में। लेकिन एक चीज़ इन्होंने ज़्यादा कर दिया, मिर्ची जो बहुत ही ज़्यादा कर दिया इन्होंने। खाने के बाद जो है पूरा अंदर से मुंह मेरा जल रहा है। तो इस ब्लॉग को करते ही पेंट, ब्लॉग को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट करके बताइए ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में।